बुजुर्गों की खिदमत इनके चेहरों पर हंसी की एक झलक और इनके अंदर से उम्र का एहसास खत्म करने में अहम रोल अदा करने वाली तंजीम का नाम दोबारा है। शहर हैदराबाद में ये तंजीम जो मतीन अंसारी के जेर निगरानी चलाई जाती है, इसमें शहर के मुख्तलिफ ओल्ड एज होम के बुजुर्गों की खिदमत अमल में लाई जाती है। दोबारा की जानिब से हर वक्त इनके सैर व तफरी के इंतजाम अमल में लाए जाते हैं। आज दोबारा की जानिब से बुजुर्गों, खासकर जो नकल व हरकत से महदूद हैं और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उन बुजुर्गों को नामपल्ली में वाकई नुमाइश का मुशाहिदा करवाया गया। नुमाइश सोसाइटी की मदद से 50 व्हीलचेयर्स हासिल किए गए और दोबारा के वॉलंटियर्स की मदद से इन्हें पूरे नुमाइश का मुशाहिदा करवाया गया है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और दोबारा की टीम के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मेरा नाम मुबीन फातिमा है। कौन सा ओल्ड एज होम से आए हैं? ये फातिमा ओल्ड एज होम की तरफ से आए हुए हैं आज। कितने लोग लाए आप वहाँ से? हम लोग 22 है टोटल। तो आपके जो ओल्ड एज होम में टोटल स्ट्रेंथ क्या है? टोटल स्ट्रेंथ 50 है। अभी वो लोग किस तरह से आप काउंसलिंग करके लेते हैं, आप कैसा लेते हैं वहाँ पर? मोस्टली इसमें पुलिस के मिसिंग केसेस रहते जी, कुछ एनजीओ केसेस रहते, वो लोगों को हम लोग देखभाल करते हैं। कुछ लोगों के माँ बाप, बच्चे या कोई रिश्तेदार रहते हैं, वैसे भी लोग जो लाकेज करते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग कुछ काउंसलिंग करते हैं उनसे बात? जी जी, हम लोग मोस्टली वही केसेस डील करते हैं जिनका कोई नहीं है, तो वो वजह से हम लोग पुलिस के मिसिंग केसेस और एनजीओस के, हेल्पेज इंडिया, डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन्स एक सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की, वो उनके थ्रू ही केसेस लेते हैं हम लोग। बच्चे लाने वाले या पूछने वालों की भी हम लोग काउंसलिंग करके उनको समझा कर भेज देते हैं, पर वो केसेस को एंटरटेन नहीं करते। इट्स अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। दोबारा पीपल, you know, they have come in contact with us, with their society, and both of them together are hosting a platform, you know, for the senior citizens along with the young generation. Dobara is a very good platform which creates a blend between the younger generation and the older people. The very fact the younger people, younger generation, the students who have volunteered from the institutions, educational institutions, by their way of mending the elders, tending the elders in their old age, that themselves, it itself teaches them how to handle the elders with care. Dobara is nothing, if I interpret, it's living life to all together once again. Once again, yes. Julia Khabano. Kahan rehte hain aap? Palakunaman. Aap Mumbai se ho? Kitne saal se reh rahe hain aap ye old age? 2 saal ho raha. Kitne ladke aur kitne ladkiyan hain aap? Ek ladka hai. Ji, kahan rehte ho? भुवनगिर में। भुवनगिर, भुवनगिर में। क्या काम करते हो? कलर का काम। तो आप तो लाके यहाँ क्यों छोड़े? मैं चाहिए। अच्छा, दोनों काम पे जाते, घर में कोई नहीं है, चलना नहीं आता ना, इसके लिए मेरे मर्जी से नहीं आए। मौर्या भी रेडी जी। जमीला फातिमा मैडम, कितने ओल्ड एज होम से यहाँ? जी 5 ओल्ड एज होम्स हैं और जो है सब काफ़ी खुश हैं, इतना अच्छा दिख रहा है इन लोगों की खिदमत करके। परवरदिगार हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने का उतनी तौफीक अता करे, क्योंकि इन लोग ओल्ड एज होम्स में इसलिए आए क्योंकि बच्चे इनके वहाँ पर छोड़ कर चले गए। अगर जब बच्चे छोटे थे, अगर वही माँ बाप अगर उनको वैसा छोड़ देते कोई ऑफन एज में, तो वो कैसा होता? बिल्कुल, इट्स वेरी इमोशनल एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मती नापा कि उन्होंने जो है इतना पूरे ओल्ड एज होम वालों का ख्याल करके उनको हर जगह पिक्चर हो या एग्जिबिशन हो या कोई कॉन्सर्ट हो, उन लोगों को लेके जाके उन लोगों को खुश करते, उन लोगों की देखने की रहती उन लोगों की खुशी। यू कैन सी अराउंड एंड लुक एट देम एंड फील हाउ हैप्पी दे आर विद द स्नैक्स एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक एवरी चाइल्ड, हर बच्चा अपने माँ बाप को अच्छा, खाली बस अच्छा देख लिया तो उनकी मुस्कुराहट से उन्हें जन्नत पा जाता। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग के जो है हम बच्चों को सिखाना
ना कि अपने माँ बाप का ख्याल करें जैसा वो अपना बचपने में अपने बच्चों का ख्याल करें थे। सो इट्स रियली वेरी नाइस। आजकल जिस तरह से लोग जो ओल्ड एज होम में छोड़ रहे, इसकी असल वजह क्या है? मे बी उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। माँ बाप भी जो थे उन लोग अपना सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों को बड़ा करते, लेकिन बच्चों को जो है बहुत दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट ज़्यादातर। बहुत गलत है वो बहुत गलत है। अगर उन्होंने उनके माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़े तो उनके बच्चे भी कल उनको भी ओल्ड एज होम में छोड़ देते।